इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अपने इस वर्ष के राजस्व बजट 550 करोड़ का तकरीबन 65% पूरा कर लिया है। अगले 3 महीनों में आरटीओ को 35% का टारगेट पूरा करना है, जो अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। एआरटीओ निशा चौहान ने बताया कि 2018-19 में अब तक तकरीबन 300 करोड़ के राजस्व की वसूली क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कर चुका है। मार्च तक तकरीबन 250 करोड़ का राजस्व अधिकारियों को अचीव करना है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि आरटीओ को पूरी उम्मीद है कि वह इस वर्ष का टारगेट भी समय पर पूरा कर लेगा। 2018-19 में 550 करोड़ का टारगेट दिया है इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को, जिसमें 350 करोड़ से ऊपर टारगेट अचीव कर लिया गया है। अभी तक जो मंथ वाइज सेग्रीगेशन किया गया था टारगेट्स, वो अचीव कर लिया गया है। हम लोग प्लस में ही चल रहे हैं और 65% टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। आगे आने वाले 3 माह में शेष टारगेट किया जाएगा।